बताओ क्या बात करनी थी? ब्याह की बात करनी। ब्याह की बात तो मेरे मम्मी पापा करेंगे और उन्होंने फैसला ले लिया है कि तुम दोनों में से मेरी किसी से शादी नहीं होगी। एरी, जब तेरे ब्याह का फैसला तेरे मम्मी पापा लेंगे तो तू यहाँ पिकनिक मनाने को आई है? तुम्हें देख के लगा था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल तमीज नहीं है। अब तो मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। सही कह रही हो आप, ये बिल्कुल ही बदतमीज लड़का है। मैं बढ़िया हूँ, आप मुझसे शादी कर लो। अरे यार, मेरी जिंदगी में तो पहले से ही रायता फैला हुआ है, अब मुझे भिचंड तो बिल्कुल नहीं फैलाना। एंजी, जैसा कि लास्ट में रह जा कर एक 2% उम्मीद, वो भी ना। पागल हो क्या? सपने में भी नहीं। बाबा जी, यू लॉन्डिया मो बिल्कुल भी पसंद ना आई है। या के मम्मी पापा और यू कितने भी गिड़गिड़ा ले थारे आ गए, पर मेरा रिश्ता मत लिया आंसू। चल मैं निकल हवा अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है। वो वैसे भी इनको राग बाजा पसंद ना आया। हाँ भाई, चाय पापे इनके पैसा निकाल, बहुत खराब बन रहा है ना तू। 50 रुपया दे फटाफट, 50 रुपया। मैं जरा दिन ना चाचा के तो है। देखो बाबा जी, कैसा नो बॉल पे 6 मारा हूँ मैंने। आज तक वो दुनिया रिजेक्ट करके जा कर ब्याह को, आज मैंने पहली बार लड़की रिजेक्ट कर दी। अब सारे गांव में फैल जाएगी कि अमन ने लड़की रिजेक्ट कर दी। यह हिसाब से मेरी ब्याह की मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। यार लगता है मुझे तो अमेरिका वापस जाकर साइमन से ही शादी करनी पड़ेगी। मुश्किल मिलेगी अब तो। अब काम पे लग जाओ, क्या आंखों को कुटर कुटर उधर ही देखते रहोगे? बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारी ड्रामेबाजी, काम पे लग जाओ। चुप। ओ ठेकेदार, तू टाल कर, तेने बना ली हमारे पोते डिजाइनर पायलट। चलो रे, चलो घर को आओ। अब देख रहा तू आदमी चाचा को अपनी बात पे अमल ना कर रहे, मुकर रहे अपनी बात से। भैया 10,000 रुपए जमा करा ले तू इन्हों से, और जान दे मुझे जरूरत भी ना ऐसे निठल्लो की। चाचा देख लो, तुम अब एग्रीमेंट के हिसाब से 3 महीने पहले नौकरी छुड़वा रहे हो, 10,000 रुपए जमा करवा दो। भाई आदमी, कुछ छूट बाड़ ना हो जाए कि कुछ कमती बढ़ती करके कर लो फैसले। पता भाई खालिद कैसे करे, छूट बाड़ कह रहे हैं चाचा। मैं मैनेजर तू है, मैं हूँ, पूरा चाहिए मुझे, एक आना कम ना करने का हूँ। चाचा पूरे 10,000 दो। रुक जा तो भैया, 1 मिनट रुक जा, तेरी अभी किस्त काटे दे रहा हूँ मैं, रुक जा। बुढ़ा पागल होगा ठीक है। तो भैया कहाँ देख रहे हो, वीडियो खत्म हो गई है अपने, कोई रोक के बैठो हो तो चले जाइए भीतर, और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल करिए सब्सक्राइबर। चले हाथ धोइए तो साबुन को। ए बाबन, मट्टी में रगड़ लो तुम भी जो, तो यहाँ चक्कर में साबुन बता रहे हो? यहाँ कहाँ मट्टी है तो साबुन हिला दे थोड़ी सी, भीतर रगड़ दो भीतर। हमारी तो भैया है सही है, साबुन ना मिलती है मट्टी तेल रगड़ दे हाथ अंदर। धोके देखियो साफ है, साफ तो ज्यादा एक्टिंग मत ना दिखावे।